हेलो जी, दिस इज़ ब्रज राव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद ब्रज राव। तो जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आप सबको पूछते हैं, केम छो? मजामा हूँ पण। एकदम एकदम मजामा। मजामा। नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और अभी जा रहे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट बूफे लग रहा है, इसलिए अभी हम लोग वहीं जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद जा रहे हैं लौंगे वाला। ब्रेकफास्ट लग चुका है। ब्रेकफास्ट कुछ इस प्रकार से है, इसमें है पूरी, इसमें है सब्जी, पोहा, उपमा, अच्छा दलिया और ब्रेड बटर। तो जी, इसी के साथ हो चुके हैं हम तैयार, निकलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन की ओर, लौंगे वाला। जी, हम लोग डेजर्ट ड्रॉप में रुके हैं और ये भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी है 2 दिन से, मतलब कुछ खाना पीना हो, कहीं आना जाना हो तो। फिर राइट लेना है और राइट लेके आपको ये हाईवे कनेक्ट होगा और ये इतना खूबसूरत हाईवे है कि दूर से देख के ऐसे लग रहा है कि कोई नेशनल हाईवे, कोई एक्सप्रेस हाईवे है यहाँ का। तो अभी हाईवे आ रहा है, आपको दिखाता हूँ हाईवे। अभी 135 रुपए का टोल लगा है हमें इस रोड पे आने जाने का। Thank you.
फोन में पाकिस्तान का टाइम आ रहा है और एक्चुअल टाइम हो रहा है 10:57 और मेरे फोन में आ रहा है 10:27, आधे घंटे पीछे। गाइस हम लोग पहुंचे हैं अभी तनोट माता मंदिर, लेकिन हम ये लौटते में जाएंगे क्योंकि अभी हमें लौंगे वाला बॉर्डर जाना है। बॉर्डर पे भीड़ हो जाएगी तो हमें परमिशन नहीं मिलेंगी वहां जाने की, इसलिए हम पहले वो कवर करेंगे, बाद में तनोट माता मंदिर जाएंगे। यहाँ पे तनोट माता टेम्पल है और यहाँ पे परमिशन निकल रही है बॉर्डर पे जाने के लिए, यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। आपको डिटेल भर के डीएल जमा करा के यहाँ से हम लोगों ने अभी परमिशन ली और अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर पे। हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर 609 बाबलियन चेक पोस्ट पे और परमिशन हमने ले ली है। आर्मी के ट्रक हमें दिखने चालू हो गए। देखिए गाइस हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के अंदर ही घुस जाएंगे और मुझे लग रहा है कि हम पाकिस्तान में जाके ही लैंड करके मानेंगे। डर लग रहा है और यहाँ पे जीलू बेन का थोड़े एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। एक सेकंड पहुंच गए तो क्या करेंगे, जेठाना जैसा हो जाएगा। ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सबसे बड़े फैन और इनको अब डर लग रहा है कि पाकिस्तान पहुंच गए तो क्या होगा हमारा। यहाँ पे रास्ते में कोई गाड़ी वाड़ी दिख नहीं रही है। ओह माय गॉड, सिंगल कार है पूरे रोड पे। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जाना? बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान नहीं जा रहा, हम उससे पहले यू टर्न ले लेंगे। ये देखिए गाइस ये है पहाड़ी टाइप्स एरिया। तो जी यहाँ पे है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के जस्ट बाजू में ये देख सकते हो पूरी बॉर्डर ये लगी हुई। हमारे प्राउड को थोड़े फोटो कैप्चर करेंगे यहाँ पे। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर पे। जी हम अपना बॉर्डर देखने आए हैं और बाकी सारे लोग हमारे ये रहे हमारे साथीदार, ये जो साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट फ्लाइट में आया है। और पहले हम जाएंगे यहाँ पे व्यू पॉइंट पे, वहाँ से व्यू देखेंगे फिर यहाँ जाएंगे बॉर्डर देखने। तो जी ये रहा पूरा क्राउड को बैठने का जगह, शाम को यहाँ पे चलता है ये सब। ये परेड ग्राउंड, यहाँ पे परेड होती है शाम को तो परेड देखने का भी एक अपना मज़ा है। शाम को होती है इसलिए हम लोग नहीं देख पाएंगे आज। यहाँ पे है पाकिस्तान और यहाँ पे है इंडिया। बीच में आपको गेट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला गेट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। तो दोनों के गेट खुलते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तब आप एक दूसरे के अंदर एक्सेस ले सकते हो। ये रहा गेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉच टावर, आईबी वॉच टावर बोलते हैं उसको, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी कभी कभी आती है 7 दिन 10 दिन 15 दिन में। उसके जस्ट आगे जो चौकी पड़ती है उसका नाम है तमांचे वाला। और यहाँ पे आपको वाइट पिलर दिख रहा होगा वो है पाकिस्तान और ये अपना इंडिया। इस साइड ये इनका अपना वॉच टावर है, ये आपको दिखा होगा अपना वॉच टावर है। ऐसा ही वॉच टावर उनका अंदर है, थोड़ा धुंधला इसलिए नज़र नहीं आ रहा। और इसके जस्ट अगर इस रोड पे जाते हैं तो उनकी एक दूसरी चौकी आती है यहाँ पे, उसका नाम है बिलाल। और ये रहा अपना व्यू पॉइंट जहाँ से आप पाकिस्तान को देख सकते हो और वैसा ही पॉइंट उनका भी बना हुआ है।
जहाँ से वो लोग अपने को देख सकते हैं, उनका तो पूरा बंजर है, काफ़ी सारे किलोमीटर तक बंजर है, इसलिए कुछ उनकी आर्मी ज़्यादा पहरा नहीं देती। अपना पूरा रिहायशी इलाका है इसलिए अपना आर्मी ज़्यादा पहरा देती है और पूरी बटालियन यहाँ पे रखी हुई है। रोड बनी हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आर्मी खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। और वो जो पिलर हमने अभी दिखाया था, ये लोग होली दिवाली ईद पे मिठाइयाँ भी एक्सचेंज करते हैं। कल ने बताया कि यहाँ पे वार त्यौहार 15 अगस्त, कुछ दिवाली होती है तो मिठाई की लेन देन होती है, एक दूसरे को खुशी से मिठाई देते हैं। सारी बॉर्डर पे ये सब चल रहा है अभी, तो रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश है दोनों साइड से और हम भी यही होप करते हैं कि रिश्ते अच्छे बने। जो परेड का सीन है वो परेड सक्सेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्राउड डेली इतना नहीं रहता और परेड करने के लिए बहुत सारी आर्मी को रोक के रखनी पड़ती है, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। अगर क्राउड मेंटेन होता है तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए परेड यहाँ पे बंद है। ऑर्डर तो हमने अच्छे से देख ली, अभी तनोट माता टेम्पल जाएंगे, उसके बाद जाएंगे लोंगे वाला जो वॉर म्यूजियम है वहाँ पे। ये देखिए गाइस, हम दोनों पहुँच गए हैं पाकिस्तान में, हमारे में आ रहा है पाकिस्तान का टाइम और एक्चुअल टाइम हो रहा है 12:17। परमिशन दिखानी होती है, दो बार परमिशन इन में चेक होती है, दो बार परमिशन आउट में चेक होती है। तो पूरा नाम है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। तो यहाँ पे बॉम्ब गिरे थे जब पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ, तो यहाँ पे बॉम्ब गिरे थे, लेकिन यहाँ पे बॉम्ब फटे नहीं थे, जिसको वॉर मेमोरियल लोंगेवाला पे रखा गया है अभी। तो अभी लोंगेवाला जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। परमिशन ली थी सुबह, वहाँ के जस्ट बाजू में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाएंगे। ये रहा माता का टेंपल और यहाँ पे खाना खाते हैं। अभी ऑर्डर किया है भिंडी की सब्जी, मिस्सी रोटी, ग्रीन सलाद, दाल फ्राई, जीरा राइस एंड रोटी। तो अभी बहुत तेज़ भूख लगी है, खाते हैं, कोक पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। के साथ पहुंचे हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। और यहाँ पे वो सारा स्टोरेज है, सारी चीज़ें स्टोर करके रखी है, जो बॉम्ब यहाँ पे गिरे थे वो पूरा, ये पूरा लोंगेवाला युद्ध स्थल है। तो जी टिकट पड़ी है हमको 25 रुपीज़ में, डॉक्यूमेंट्री की टिकट है खाली, बाकी किसी की टिकट नहीं है, पूरा फ्री है देखने का। तो सामने एयर फोर्स का लगा हुआ है, यहाँ टैंक USF का लगा हुआ है, तो अभी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। तो जी यहाँ पे बॉर्डर कैफ़े और यहाँ पे चलेगी मूवी यानी डॉक्यूमेंट्री, हम देखने जाएंगे अभी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि 3 मिनट की बाकी रह गई है।
डॉक्यूमेंट्री का थिएटर, यानी आप देख सकते हो पूरी डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पे स्टूडियो है। तो ये पूरा नीचे बनाया हुआ है, पूरा बंकर जैसा है ये। ये देखो मस्त स्लोगन लिखा हुआ है, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। वाह 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 वाह, एक नंबर बात बोलती। तो ये है पूरा बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971। ये बंकर बने हुए हैं, आप देख सकते हो पूरे बंकर यहाँ पे, और यहाँ से जाना है नीचे। ये पूरे बंकर, और ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कैप कमांडोस अवतार सिंह, इनका नाम है अवतार सिंह। ये छोटू सा टैंक लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे दो टैंक लगे हुए हैं। ये हमने लिया भारत के आखिरी कैफे से लस्सी। टैंक कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, कट हार्ड कट डेफ।